टेस्ट इंडियन किचन में सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कमरक का अचार। ये खट्टी मीठी दोनों तरीके की होती हैं। जब ये कच्ची होती हैं इनका स्वाद खट्टा होता है, और वैसे ये पकने के बाद थोड़ी मीठी हो जाती हैं, और इनको स्टार फूड भी कहा जाता है। देखिए, मैंने सबसे पहले ये 250 ग्राम ये कमरक ली हैं, इनको अच्छी तरीके से धो लिया है। मेरे जंगल में आ रही थी तो मैंने सोचा कि ना इसको का अचार बना के आपको दिखाया जाए। इसको अच्छी तरीके से मैंने सोच लिया है, और फिर इसको चाकू की मदद से इसको स्टार की तरह, देखिए छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, स्टार जैसे लगते हैं। अब हम बनाते हैं। इसमें डालने के लिए कुछ मसाले भूनते हैं। देखिए, हमने एक चम्मच साबुत धनिया लिया है, हमने पैन रख दिया है चूल्हे पर, और इसकी मीडियम हमने स्लो आँच कर ली है, और इसमें हमने एक चम्मच सौंफ डाल दी है, एक चम्मच हमने अजवाइन डाली है, आधा चम्मच हमने अजवाइन डाली है, एक चम्मच हमने ये पीली सरसों ली है, और इसको हमने बस ड्राई रोस्ट करना है। ज़्यादा हमें तेज़ इसको नहीं भूनना है। हमने आधा चम्मच ही हमने ये ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा, और हमने ये ली है मेथी, एक चम्मच हमने मेथी ली है, और इसको हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेते हैं। अगर आपके घर में धूप बहुत तेज़ आ रही हो तो उस पर भी आप इसको रख दें, और इसको बस इसलिए भुना जाता है इसकी नमी हट जाए, और ये मसाले की में इसका अचार ख़राब नहीं होता है इस मसाले को डालने के बाद, क्योंकि इसमें नमी बिल्कुल नहीं होती। और इसको चटकने देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं हम। फिर इसको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब हमने थोड़ा सा तेल रख दिया है, इसमें भी हमने गरम कर लिया है। अब देखिए, हमने ये मसाला दरदरा पीस लिया था ठंडा होने के बाद, और इसमें हम ये मसाला डाल देते हैं। मसाला डालने के बाद हमने थोड़ा सा रोक लिया है, अगर ज़रूरत हुई तो हम और डाल देंगे। हमने इसमें हरी ये सौंफ ली है, और मेथी, और ये कलौंजी, हमने तीनों को मिला कर डाल दिया है। हमने सौंफ और ये कलौंजी मेथी रोक ली थी, और हमने इसमें डाला है ये एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा एक चम्मच ही हमने हल्दी पाउडर डाला है, और ये हम स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि अचार में हमेशा नमक ज़्यादा ही होता है। आधा चम्मच हमने ये हींग ले ली है, इससे टेस्ट अच्छा आता है, और ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और हमने जो ये इसको मसाले को मिला लेते हैं अच्छी तरीके से। इतने हमारा जो हमने तेल गर्म होने रख दिया था, वो तेल भी ठंडा हो गया है। हमने इनको स्टार जो ये फ्रूट होते हैं इनको काट के हमने थोड़ी सी देर धूप में रख दिया था, और अगर आपके पास धूप घर में धूप नहीं आती है तो आप पंखे के नीचे रख लें। और इसमें थोड़ा सा हमने इसमें डाला है सिरका, और इसमें जो ये तेल हमने गर्म करके रख दिया था इसको मिला देते हैं इसी मसाले में। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है इसका स्टार फूड, इसको कहते हैं चमरक, कमरक भी कहते हैं। इसका बहुत ही खाने में टेस्टफुल होता है इसका अचार। आप इस अचार को ज़रूर बना के देखना हमारे तरीके से। अगर प्लीज़ अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए, बनाने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना। अब देखिए, हमने ये एक जार लिया है, इसको सुखा लिया है अच्छी तरीके से, धो के साफ़ सुथरा कर लिया है, और इसमें ये आपके पास अगर प्लास्टिक का जार है या फिर शीशे का, उसमें डाल रख देते हैं। और देखिए इसमें, और देखिए हमने थोड़ा सा ये बच गया था, ये अलग हमने निकाल लिया है। और देखिए, हमारा ये अचार बनके तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टफुल अचार है। आप इसको पराठा, सब्ज़ी, दाल, इन सब के साथ खाएं, बहुत चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है ये अचार। और इसके अचार के बहुत बेनिफिट होते हैं इस कमरक के। आप ज़रूर बना के देखना। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना।